प्लान था कि 3 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन लेकिन बेल्ट तक नहीं छोड़ते, पेंट अगर किसी की उतर गई तो ज्यादा हाइट है कि बंदा आराम से खड़ा हो जाता है। वेलकम टू एमिरेट्स A380 के वॉशरूम में आप सबका वेलकम है। लेट्स गो, बाय बाय, गुड नाइट। अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू दुबई, लेकिन कुछ घंटों के लिए। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है लास्ट डे हमारा मक्का में और टाइम हो रहा है 2:12 हो गए और आज हमारी फ्लाइट है वापसी की। पिछले 21 दिनों से घूम ही जा रहे थे। पहले पाकिस्तान से दुबई गए, दुबई से फिर सऊदीया आए, सऊदीया से भी घूमे, उमरा किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आज फाइनली वापस जाने का टाइम आ गया और आज लास्ट डे है मक्का में। 2:18 हो गए और 3 बजे तकरीबन 3 या 3:30 बजे तक हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। मक्का से जद्दा तकरीबन 1 घंटा लग जाता है, तो रात 8 बजे की हमारी फ्लाइट है, तो 4-5 बजे तक एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे और 3 घंटे फिर चेक इन और सिक्योरिटी करते करते 3 घंटे तो लग ही जाते हैं ऑलमोस्ट। और अभी लास्ट टाइम हम जा रहे हैं मक्का क्लॉक टावर और हरम की तरफ से घूम के शवारमा खाने लास्ट टाइम, क्योंकि पहले मेरा प्लान था अलबेग खाएंगे, लेकिन अलबेग में बहुत ज़्यादा रश होता है और हमारे पास 1 घंटा है, तो इसलिए टाइम बचाने यू नो फ्लाइट मिस हो जाएगी या लेट हो जाए, अप्पा जी को भी जान छूट जाएगी। कुछ मैंने गारे हीरा और गारे सोर की चढ़ाइयाँ चढ़ाई हैं ना, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं। तो फाइनली पापा जी भी चले जाएंगे वापस अपने सिटी और मैं पाकिस्तान, और मेरा तकरीबन 2 घंटे का स्टे है दुबई में, तो पहले हम जद्दा से जाएंगे दुबई, दुबई से फिर पाकिस्तान जाएंगे, कनेक्टिंग फ्लाइट है। इससे पहले आपने कमज़ोर बंदा नहीं देखा होगा, चेक करो जिसकी पैंट भी जिप खुली हुई है। मॉल के फूड कोर्ट में जा रहे हैं, ये ऊपर फूड कोर्ट है, एक शवारमे के पीछे पूरा मॉल घूमो। हाँ, इधर ही अल्बेक है, अल्बेक पे लाइनें होती हैं इसलिए अल्बेक से दूर रहते हैं, और ऊपर जाना पड़ेगा। आ गया फूड कोर्ट, चलो ये शवार में अब जाते जाते रास्ते में खाएंगे या रूम में जाके खाएंगे। ओए, इतनी हाइट है। कॉफ़ी शॉप पे रुके, कॉफ़ी पापा पियेंगे, मैं शवरमा खाऊंगा मज़े से। लास्ट टाइम सऊदी अरेबिया का नहीं बना के दिया कॉफ़ी पे। चलो ये मेरा आ गया, आपका ये लो, करो एक फूड का तो शवरमा है। याद आएंगे यहाँ के खाने, अलबेक से मंदी थे, कुनाफे, शवरमे, हाँ हाँ हाँ, क्या टाइम गुजरा है, याद आएंगे वैसे कितने बड़े बड़े शवरमे। अल्हम्दुलिल्लाह, खाना पीना हो गया, चलो आ जाओ। अभी रूम में जाके अपना बोरिया पिस्टल उठाएंगे और निकलेंगे इंशाल्लाह जद्दा एयरपोर्ट के लिए। बस चीज़ें फ्लाइट के काम आएगी। बिन दाऊद आए थे मार्केट, देना तो कुछ नहीं था, लेकिन कहा कि ये ले लेते हैं। नहीं, थोड़ी लंबी है और है भी नाइट की, तो थोड़ी देर सो भी लेंगे, तो मस्त हो गया काम। 20 मिनट हो गए और मैं कह रहा था कि 3 बजे तक काम निकल जाएंगे मक्का से, लेकिन अभी तक इधर ही घूम रहे हैं। हालात देख लो, अंकल उड़ उड़ के भाग के जा रहे हैं, मैंने कहा चलो भैया सामान आ गए, मैं चाबी देकर आया। आगे तीन बज के 26 मिनट हो गए और मैंने प्लान था कि 3 बजे तक निकल जाएंगे, लेकिन लेट हो गया। लेकिन आधा घंटा लेट हो गया। मैं तो 3 बजे से 10 मिनट पहले ही आके, अब तकरीबन 4:28, 1 घंटा लगता है जद मक्का से जद्दा पहुंचने तक एयरपोर्ट तक, तो अब 1 घंटा इंशाल्लाह उसके बाद हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। ट्रॉली लेते हैं और ट्रॉली के साथ टेप भी फ्री है, और अभी हम भी जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज, ठीक है चलो भैया। ओए होए, लगी हुई है लाइन, है बड़ी लाइन है। एमिरेट्स वाले पे रश नहीं है इतना, वरना इन कुवैत वगैरह पे तो बड़ी फ्लाइट पे रश है। क्या बोर्डिंग पास भी मिल गया, अब बस जमजम एक कॉटन है छोटा सा,
तो अब ये चेक इन कराना है, उसके बाद इंशाल्लाह जाके वेटिंग एरिया में वेट करेंगे। और एमिरेट्स की ये अच्छी बात है कि यहाँ पे इनका इतना रश नहीं होता, बाकी वो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो उतरवा लिया भाई सब जूते तक, सबसे टफ जो होता है ना ये होता है, सब कुछ उतरवा लेते हैं, बेल्ट तक नहीं छोड़ते, पेंट अगर किसी की उतर गई तो। चेक ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एयरपोर्ट के अंदर मेट्रो, और यहाँ तो लगता है शॉपिंग मॉल भी उतार दिया मेट्रो वाले ने। ये क्या हो गया, गेट 28 लेफ्ट साइड है वेटिंग एरिया, शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है एयरपोर्ट में, लश पश कर रहे हैं। चलो भैया, दुबई वाले एयरपोर्ट पे ना कुछ भी चेक ही नहीं करते जितने यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे बेल्ट शूज सब कुछ उतरवा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, बैग तक खुलवा दिया। और अभी वेटिंग एरिया में आ गए और अब वेट करना है। जब मैं दुबई से जद्दा आया था तो मेरी फ़्लाइट उतरी थी पुराने एयरपोर्ट पे जद्दा के, लेकिन ये वाला एयरपोर्ट तो बिल्कुल ही न्यू है, इसका नक्शा ही बदला हुआ है। ये जद्दा का टर्मिनल 1 एयरपोर्ट है जो कि अभी न्यू बना है, और क्या एयरपोर्ट है, पूरा शॉपिंग मॉल है। छोड़ के जा रहा था, कैमरा नहीं भूलते। ऑन कर पिक्चर नो या से ब्राउनीज ट्राई करेंगे आज। ये आ गया अपनी कैपेचिनो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे फ्लाइट में नींद आए, तो इसीलिए कॉफ़ी बेस्ट है। हाँ, नींद उड़ जाएगी। क्या ब्राउनीज कैसी होंगी? मज़े की, अच्छा टेस्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी है, बहुत ज़्यादा। 3 मिनट बाकी रह गए अपनी बोर्डिंग स्टार्ट होने में, और इंतहाई बोरिंग टाइम की तरह, बहुत ज़्यादा बोरिंग है। लोग लाइन में लग गए हैं, आप कहाँ भी लगने हो। करो यार जाने दो, इतनी देर हो गया है। ओए होए, थैंक यू। ओए होए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली जहाज के अंदर तो आए। आई नो मेरी विंडो सीट होनी है, लेकिन अभी चेक करते हैं कौन सी है। ये K55, मेरी है 65K विंडो सीट। तो सीट है जहाज के विंग के ऊपर है, और क्या विंग है, इतना बड़ा लगता है पूरा प्लेग्राउंड है। मेरिट्स A380 सबसे बड़ा जहाज है मेरिट्स का। फिर हाफ के लिए यही ना उतार के ले जाओ, क्या कहते हो, फिट है वैसे, लेकिन इसके साथ फिर ये LCD भी उतारनी पड़ेगी। विंडो का साइज इतना बड़ा है, बहुत बड़ी विंडो है, लेकिन बाय शीशा छोटा सा। ये तो जाती है मेरी सीट के साथ, पावर प्लग नहीं है, वो लगता है। कैबिन का जो लगेज वेट है वो 7 kg है, और लोग 10-10, 15-15 किलो के बक्से ले आते हैं, और फिर मुझे फट के ना देखने एक दूसरे का। और एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ, ये लाइट का बटन है, यहाँ से अगर इसको प्रेस करेंगे टंटना अपना डिनर, और पेप्सी का साइज चेक करो, कितनी सी पेप्सी, आज पहले तो कभी नहीं देखी ऐसी। डिनर में चिकन राइस है, और ये बिस्किट आ गए, और ये आ गया बटर, और ये आ गया स्वीट्स, और ये क्या है पता नहीं क्या, उसके बाद ये आ गया बादाम, उसके बाद ये आ गया ऑरेंज जूस, उसके बाद आ गया ये पानी, और ये डब्बी वाला बड़ा मस्त है, उसके बाद आ गए ये ब्रेड आ गई, और ये आ गई एमिरेट्स की चॉकलेट, वाओ। और चिकन राइस के साथ साथ चने भी हैं, मिक्स है। फ्रेश भी है और मज़े का टेस्ट है, साथ छोटी सी पेप्सी। डिनर हो गया, और क्या डिनर था यार, आउट क्लास।
वेलकम टू एमिरेट्स A380 के वॉशरूम में आप सबका वेलकम है। वॉशरूम चेक करो, छोटा सा वॉशरूम है और ये टॉयलेट है और यहाँ पे मिरर लगा हुआ है, ऊपर एसी वेंट है और यहाँ से भी एसी की हवा आ रही है, ये एसी वेंट लगा हुआ है। और ये आ गया सोप, यहाँ से सोप आने और यहाँ से गर्म ठंडा पानी, आहा मस्त। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी ग्लासी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि नो ड्रिंकिंग वाटर और ये यहाँ पे सोप वगैरह पड़े हुए हैं। जैसे की बात ये है कि इस वॉशरूम में सेंसर लगे हुए हैं, अगर कोई सिगरेट आके पीता है तो डिटेक्ट कर लेगा सेंसर और अलार्म बच जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे पेपर टॉयलेट है और यहाँ पे फेशियल टिश्यू है, पेपर टॉवल पड़ा हुआ है। कान बंद होने लग पड़े हैं तो मैं बाहर जा रहा हूँ। निकलो जहाज खाली करो। इतनी ज़्यादा हाइट है कि बंदा आराम से खड़ा हो जाता है। मत अपना बोरिया बिस्तर उठा ले, खाली कर चुका हूँ सारा प्लेन। कोई कोई स्मूथ लैंडिंग होती है ना एमिरेट्स के, मज़ा आ जाता है, वरना फ्लाई द वे के झटके लगते हैं। लेट्स गो, बाय बाय, गुड नाइट। अल्हम्दुलिल्लाह, वेलकम टू दुबई, लेकिन कुछ घंटों के लिए। सो गाइस, इस वाले व्लॉग में सिर्फ इतने। व्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट पाकिस्तान वाले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।